YouTube के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलामुअलैकुम। हाजिर है नए टॉपिक के साथ, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ख्वाहिशात का पूरा होना। ऐसे तो दुनिया में बेशुमार ऐसे लोग हैं, उन्होंने जो ख्वाहिश की और जो तमन्ना की वो पूरी हुई और पूरी हो भी रही हैं, और अल्लाह ताला हर एक की जायज़ हाजात को पूरा फरमाए। आज मैं वो लकीर बनाकर आपको बताऊंगा कि जिससे अगर आपके हाथ में है, या आपके किसी अजीज़ के हाथ में है, या आपके किसी दोस्त के हाथ में है, तो ये समझें कि उसकी कोई बड़ी ख्वाहिश पूरी होने वाली है, और तमाम की तमाम ख्वाहिशें जो कि जायज़ होंगी वो पूरी होंगी। ठीक है, उस हिसाब से बात करेंगे। वो लकीर मैं बना के बता रहा हूँ, आप अपने हाथ में सबसे पहले तलाश करें, उसके बाद अगर आपके बहन भाई हैं उनके हाथ में तलाश करें, अपने अजीज़ वकारब के हाथ में चेक करें, अपने दोस्तों के हाथ में चेक करें। अगर ऐसी लकीर है तो ये समझें कि इस शख्स की या इस फ़र्द की जो भी ख्वाहिश होगी वो अल्लाह के फजल से पूरी होगी और या होने वाली है। और ये होने वाली है तो उसका मैं इशारा आपको दे दूँगा कि कब होगी, किस तरह होगी और कैसे होगी। देखें, ये आपके हाथ में ज़िंदगी की लकीर, ये दिमाग की लकीर, ये दिल की लकीर। ठीक है, ये दिल की लकीर। इन लकीरों को आप गौर से हमेशा देखते रहे हैं, और गौर से इसको देखें तो आपकी समझ में आएगा कि ये क्या है। अगर शम्स वाली लकीर, ये शम्स वाली लकीर यहाँ आकर इस तरह से अगर होती है, इस तरह से अगर आपके हाथ में है, तो ये समझें आपकी ख्वाहिश पूरी होगी। और ये अगर जाकर ये लकीर यहाँ से, ये मैं दूसरी इसलिए बना रहा हूँ, ये इसकी एक सूरत है, और दूसरी सूरत ये है कि ये लकीर यहाँ जा रही हो। ठीक है, तो ऐसे लोगों की तमाम ख्वाहिशें पूरी होती हैं। लकीर अगर इस तरह की हो तो भी, और अगर इस तरह की हो तो भी। तो इस लकीर को अपने हाथ में ज़रूर तलाश करें, देखें कि आपके हाथ में ये है या नहीं। और एक चीज़ और ख्याल रखिएगा, कुछ हाथों में ये बड़ी शोख और नुमाया होती है, और कुछ हाथों में बिल्कुल मध्यम सी होती है। लेकिन क्या है कि उसको गौर से देखने पर आपको मालूम होगा कि ये लकीर यहाँ से यहाँ जा रही है। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ जा रही है। इसको हम कामयाबी वाली लकीर भी कहते हैं, और दूसरे लफ्ज़ों में इसको किस्मत वाली लकीर भी कहा जाता है। लेकिन किस्मत की लकीर अलग से भी हाथ में होती है। इस तरह से ये जो जा रही है किस्मत की लकीर है, और ये जो है ये शम्स वाली लकीर है, जिसका ग्राउंड मैदान घर ये है, लेकिन ये इस तरफ रुख कर रही है ज़्यादा और इस तरफ कम है, और दूसरी ये यहाँ से शुरू होकर सीधी यहाँ जा रही है। ठीक है, तो इस तरह की अगर लकीर आपके हाथ में है तो आपकी भी तमाम की तमाम ख्वाहिशें पूरी होंगी। और कब होंगी ये लकीर? अगर बिल्कुल बारीक सी मामूली सी है तो ख्वाहिशें पूरी होने में कुछ टाइम लग सकता है। ये अगर गहरी हैं, शौक हैं, वाजे हैं, और यूं हाथ करने पे नज़र आती हैं, तो ये समझें कि ख्वाहिश जल्दी पूरी होगी। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ख्वाहिश जल्दी पूरी होने वाली है या देर से पूरी होने वाली है। अपने हाथ में इस चीज़ को ज़रूर तलाश करें। इसके साथ ही हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब का सिलसिला। सबसे पहला जो सवाल हमें किया है मोहम्मद इरफान ने सरगोधा से किया है, बाहर मुल्क जाने की लाइन है और किस्मत कैसी है? जी, आपके हाथ में सफ़र की लकीरें मौजूद हैं, लेकिन सफ़र आपको 2021 में आएगा, और किस्मत अल्लाह के फजल से अच्छी है, बशर्ते अगर आप मेहनत करते रहें तो। उसके बाद सवाल किया है शाहबाज ने पिंडी से, जिस लड़की से मंगनी है इससे शादी होगी या नहीं? मैं जिसको पसंद करता हूं उससे होगी। प्यारे दोस्त, आपके हाथ में पसंद की शादी होने का तो कोई चांस मुझे नज़र नहीं आता। हाँ, आपकी शादी अरेंज मैरिज नज़र आती है, और अरेंज मैरिज कामयाब शादी होगी। उसके बाद सवाल किया है राबिया ने चौक आज़म से, शादी कब होगी और पसंद की होगी? आपके हाथ में जो शादी की लकीर है, ऐसी लकीर तकरीबन पसंद की और आइडियल शादी होती है, और शादी 2020 के लास्ट में या 2021 के दरमियान में होने के चांस हैं। उसके बाद सवाल किया है तौर खान ने कोलो से, कोलो से सवाल किया है तौर खान ने, दौलत है मेरी किस्मत में या नहीं? प्यारे दोस्त, आप तो बहुत ज़्यादा मेहनती और बहुत ज़्यादा जफाकश हैं। ऐसे लोग ज़िंदगी में बहुत कामयाब होते हैं, और आपकी भी कामयाबी का आगाज़ हो चुका है। आप कितनी मेहनत करते हैं, कितनी कोशिश करते हैं, ये आपके ऊपर है।
उसके बाद सवाल किया है इब्रार हुसैन ने दुबई से, शादी को 3 साल हो गए हैं, औलाद कब होगी? प्यारे दोस्त, आपके हाथ में औलाद की तो 4 लकीरें मौजूद हैं, लेकिन औलाद कब होगी इसका कोई हतमी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इसके लिए मियाँ और बीवी दोनों के हाथ के फ़ोटो दरकार होती है, जो कि आपने नहीं भेजी। उसके बाद सवाल किया है असामा ने गुजरात से, शादी पसंद की होगी या नहीं? आपकी शादी पसंद की होती मुझे नज़र आती है, और इंशाल्लाह पसंद की शादी होगी और कामयाब शादी होगी। अगला सवाल किया है इरफान हुसैन ने इंडिया से, ज़िंदगी कैसी रहेगी? अल्लाह के फजल से इरफान हुसैन साहब, आपकी गुजरी हुई ज़िंदगी भी बहुत अच्छी है और आने वाली ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, और बेहतर वक्त जो है ना आपका 2020 का चौथा माह है, चौथे माह से आपके हालात में बहुत अच्छी तब्दीली नज़र आ रही है। उसके बाद सवाल किया है आसिया ने, ये मेरे और मेरे शोहर के हाथ की तस्वीर है, हम स्ट्रॉन्ग शिफ्ट होना चाहते हैं, कब तक हो जाएंगे? ये हम ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होना चाहते हैं, कब तक हो जाएंगे, और अगर कोई वजीफ़ा है तो वो भी बता दें। जी बिल्कुल, आप शिफ्ट हो जाएंगे और बेहतर पोजीशन पर होंगे और किस्मत भी अच्छी होगी। रही बात वजीफ़े की, तो आप जो है ना कोशिश करें सूरह इखलास, कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, इसको पाबंदी से एक तस्बीह आप पढ़ा करें, इंशाल्लाह बहुत सी ख्वाहिशें पूरी होंगी। अगला सवाल किया है यास्मीन ने, मेरे नसीब में दौलत और अपना घर है या नहीं? इन्होंने लाहौर से सवाल किया है। आपके हाथ में दौलत की लकीर तो बहुत अच्छी और बहुत उमदा है, लेकिन ये गुज़िश्ता 2-2.5 साल का जो अरसा है 2020 तक थोड़ा सा ठहराव का शिकार है, इसके बाद आपकी पोजीशन बहुत अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। उसके बाद सवाल किया है सामिया ने, शादी कब होगी और मेरे शोहर कैसे होंगे? बोलो, शादी कब होगी और शोहर कैसे होंगे? शोहर की रंगत कैसे होगी या कद काठ कैसा होगा, ये तो लकीरें नहीं बताती। हाँ, ये है कि आपकी शादी की लकीर अच्छी है तो इसका मतलब है कि आपका शोहर अच्छा होगा। अगला सवाल किया है राबिया सुल्तान ने, मेरे शोहर दुबई जा रहे हैं के बाद हालात अच्छे हों, उनके जाने के बाद हालात अच्छे होंगे या नहीं? जी बिल्कुल, हालात अच्छे होंगे और हालात बेहतर होंगे, और हालात बेहतर होने में ये समझें कि 11 से 12 माह का अरसा लग सकता है, यानी साल भर लग सकता है। उसके बाद सवाल किया है मोहसिन अली ने रहीम यार खान से, मेरी शादी अपनों में होगी या गैरों में होगी? आपकी शादी 100% अपनों में होने के चांस है और शादी भी कामयाब रहेगी। अगला सवाल किया है शायद कादरी ने कयूमाबाद से कि आने वाली ज़िंदगी में रोज़गार या पैसे की कमी का सामना तो नहीं होगा? प्यारे दोस्त, आपके मुकद्दर में शुरू से अल्लाह ताला ने बहुत दौलत लिखी है और आप बादशाहों वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और आने वाली ज़िंदगी भी आपकी अल्लाह के फजल से बहुत उमदा और बहुत अच्छी नज़र आती है। बहरहाल ये है कि आप कोशिश करें कि और मज़ीद कामयाबी हासिल करने की कोशिश करें, और कोई कारोबार अगर कर सकते हैं तो इसके साथ साथ कोई और कारोबार भी करें तो भी आपके लिए बेहतर, क्यों कि 2020 से 2028 तक का वक्त जो है आपका अल्लाह के फजल से बहुत ही उमदा और बहुत ही अच्छा है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।